नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी और आज की हमारी वीडियो स्पेशल है थोड़ी, क्योंकि हम बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के बारे में और आगे उन्होंने क्या ऐलान किए हैं इंडियन हॉकी से रिलेटेड, चाहे मेंस हॉकी हो या वुमेन्स हॉकी इन डिटेल। तो संक्षेप में आपको बताएंगे उसके बारे में। थोड़ा सा उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे अगर इंस्टाग्राम पेज वी आर स्पोर्ट्स क्रेजी, अगर आप उसको फॉलो नहीं किया तो आप उसको फॉलो करना ना भूलें, बिकॉज जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको सारे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है स्पोर्ट्स इवेंट्स की वहाँ पर आपको मिल जाएगी उस पेज पर। उसके साथ साथ जो भी इंटरव्यूज लाइंड अप होंगे स्पोर्ट्स क्रेजी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर पर्पज में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर वाया पोस्ट वाया स्टोरीज जो है वो मिल जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा हमारे इंस्टाग्राम पेज का, उस लिंक पे आपको विजिट करना है, इंस्टाग्राम पेज तक पहुंचना है, फॉलो का बटन प्रेस करना है। जैसे आप फॉलो का बटन प्रेस करेंगे आप हमारी इंस्टा फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका हमारे साथ इस यूट्यूब पर बरकरार है, उसी तरीके से आपका हमारे साथ इंस्टा पर भी बरकरार होगा। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक के बारे में, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हॉकी को लिफ्ट करने में कितना जबरदस्त है हम सब जानते हैं। चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा के नवीन पटनायक ने फेलिसिटेट किया नेशनल हॉकी टीम को, चाहे वो मेंस हॉकी टीम हो या वुमेन्स हॉकी टीम हो, क्योंकि दोनों ने इतिहास रच दिया रिसेंटली कंक्लूडेड टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में। और चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उड़ीसा जो है वो कंटिन्यू करेगी स्पॉन्सर करना इंडियन हॉकी टीम्स को, चाहे वो मेंस हॉकी टीम हो या फिर वुमेन्स हॉकी टीम हो, अनदर 10 साल के लिए। कितना बड़ा डिसीजन है, कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए हॉकी क्या मायने रखती है। चीफ मिनिस्टर ने फेलिसिटेट किया कप्तान जो थी वुमेन्स की रानी रामपाल को और उनकी पूरी टीम को, और उन्होंने उनको करार दिया कि वो एक इंस्पिरेशनल कप्तान है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने मेंस के मनप्रीत सिंह और उनकी पूरी टीम को उन्होंने बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि आपने बहुत इंस्पिरेशनल कप्तानी करी ओलंपिक्स 2020 के संस्करण में। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपये दिए गए, सपोर्ट स्टाफ को 5 लाख रुपये दिए गए चीफ मिनिस्टर के द्वारा। सो आई थिंक एक आप कह सकते हैं कि जब आपको रिवॉर्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, और ये सिर्फ इंस्पायर भी करता है बाकी खिलाड़ियों को जो कि हॉकी को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं। बिकॉज जब तक मनी इन्वॉल्व नहीं होती, देश के लिए मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो एक किसी प्लेयर को इंस्पायर करती है कि अगर मैं मेडल लेकर आता हूँ ओलंपिक्स जैसे स्टेज पर तो ना सिर्फ मैं अपनी कंट्री को प्राउड कर रहा हूँ बल्कि इसके साथ साथ मैं हॉकी को भी एज ए प्रोफेशन के तौर पर भी देख सकता हूँ अगर मुझे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। सो आई थिंक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी चीज़ है जो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा ने किया। इससे पहले भी जब हॉकी के स्पॉन्सर्स नहीं थे तभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैक किया था, स्पॉन्सर बने थे हॉकी टीम के, और जो भी आप देख रहे हैं इस वक्त की जो कंट्रीब्यूशन है, जो आप फैसिलिटीज़ देखते हैं जो उड़ीसा में आप स्टेडियम्स देख लें हॉकी की जाकर के, जो वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोटर्फ सर्फिसेज बने हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें क्रेडिट जाता है उड़ीसा गवर्नमेंट को, और वो क्रेडिट हमें देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यू मेड अस ऑल सो प्राउड विथ योर स्पिरिटेड फाइट एट टोक्यो, दीज आर डीपली इमोशनल मोमेंट्स फॉर इंडिया टू विटनेस द रिवाइवल ऑफ इंडियन हॉकी, फॉर नियरली 4 decades द हॉकी फैंस हैव बीन अर्निंग टू सी इंडिया ग्रैब अ मेडल एट ओलंपिक्स। करीब 40 साल के बाद 1980 में लास्ट टाइम हमने मेडल जीता था अभी भास्कर साहब की कप्तानी में, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि हमने बिल्कुल भूल ही गए हैं हॉकी में जीतना, और अब जाके जब मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वुमेन्स टीम बहुत करीब से आकर के ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीत पाई, वो एक आप कह सकते हैं एक स्टैम्प है, एक अथॉरिटी दिखाता है कि अब इंडियन हॉकी एकदम राइट डायरेक्शन में है, और बस उसको इसी तरीके से और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जरूरत है और मोटिवेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। हॉकी डेफिनेटली ग्लो करेगी, हाँ हॉकी डेफिनेटली ग्रो करेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत का जो है वो नाम, जो परचम है हॉकी में वर्ल्ड लेवल पर, वो पर्चा वो आप कह सकते हैं लहराएगा, और इसके लिए क्रेडिट काफी हद तक उड़ीसा गवर्नमेंट को जाता है, अलॉन्ग विथ आर मिनिस्ट्री, अलॉन्ग विथ आर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन इसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट को भी आपको बैक करना पड़ेगा, आपको उनको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर के तौर पर इंडियन हॉकी का साथ बहुत टाइम से दे रहे हैं। सो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने घरों में अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।